हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है डिफ्लेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, अलॉन्ग विद दैट डिफ्लेशन के किसी भी कंट्री के ऊपर इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि डिफ्लेशन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। डिफ्लेशन इज दैट स्टेट ऑफ इकोनॉमी वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग और द प्राइसेस आर फॉलिंग। एक ऐसी कंडीशन किसी भी कंट्री की जहाँ पर मनी का वैल्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बट जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं। अब इसे हम इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में समझते हैं। जब इन्फ्लेशन हम पढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस, है ना, और मनी की वैल्यू क्या होती है इन्फ्लेशन में, डिक्रीज होती है। ठीक, प्राइसेस बढ़ते हैं, चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं, वैल्यू ऑफ मनी में डिक्रीज होता है, मतलब 10 रुपये में कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग कहते नहीं, अरे यार आज के टाइम पे 10 रुपये में कहाँ कुछ मिलता है। इसका क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ मनी एकदम गिर चुका है, 10 रुपये का कोई कीमत नहीं, 10 रुपये की कीमत बिल्कुल गिर चुकी है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलन, इन्फ्लेशन के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस कंटिन्यूसली क्या होते हैं, राइज करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ते हैं, डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बिल्कुल गिरने लगते हैं। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है, 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन में मनी की वैल्यू इज राइजिंग, 10 रुपये में आपको बड़ी ढेर सारी चीज़ें मिल जाएगी इन डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन का ये सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि प्राइसेस का जो प्राइसेस में जो फॉल होता है ना, वो फॉल इन प्राइसेस का कोई लेवल नहीं होता, किसी भी हद तक दाम गिर सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है डिफ्लेशन में, पहली वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है, मतलब 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है पैसे पैसे की, एंड प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं। अच्छा, प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, इट इज़ दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच एवरी फॉल इन प्राइस, हर एक फॉल के साथ कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है डिफ्लेशन में। ठीक है, रिड्यूसेस आउटपुट, आउटपुट कम होता चला जाता है, कर्टेल्स इनकम। ठीक, अब इसे समझते हैं, जैसे कि अगर प्रोड्यूसर है कोई बिजनेस क्लास है, हमने ऊपर पढ़ा कि प्राइसेस गिरते हैं, प्राइसेस गिरने की कोई हद नहीं होती। जब प्राइस गिरते चले जा रहे हैं तो प्रोड्यूसर ये नहीं सोचेगा यार मेरी चीज़ों के दाम गिरते चले जा रहे हैं मैं क्यों बनाऊं, वो क्या करेगा अपने FOPs को या उसने जिसे जिसे भी काम पर रखा हुआ उसे निकाल देगा, जिससे अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, दूसरी बात उसने बोली कि भाई मैं सामान ही नहीं बनाऊंगा, सामान बनाना बंद कर दूंगा क्योंकि सामान के दाम गिर रहे हैं, जो चीज़ वो 50 रुपये में बेचता था आज उसका दाम 10 रुपये है, तो वो क्यों बनाएगा। अगेन, इट हैज़ रिड्यूस्ड व्हाट, आउटपुट, उसने बनाने से मना कर दिया तो आउटपुट में भी रिडक्शन आ जाएगा। जब इन दोनों चीज़ों में रिडक्शन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की इनकम में भी कटेल हो जाएगा, इनकम में भी फॉल हो जाएगा, नहीं कोई किसी भी चीज़ को खरीदना चाहेगा, किसी भी चीज़ को कोई भी बेचना चाहेगा क्योंकि दाम गिरते चले जा रहे हैं। भाई अगर मैं किसी चीज़ की कुछ कुछ बेचने बैठी हूँ, कोई भी सामान बेच रही हूँ मैं, और उस सामान की वैल्यू 100 रुपये है, बट धीरे 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 वो 10 रुपये 5 रुपये का होता जा रहा है, तो मैं क्यों बेचना चाहूँगी, मैं नुकसान में चली जाऊँगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्लेशन विच इज़ फार वर्स देन इन्फ्लेशन। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन के ऊपर कि डिफ्लेशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है, किसके किसके ऊपर कैसे कैसा पड़ता है। द वेरी फर्स्ट लास्ट इसका डिस्कशन किया गया है वो है इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, अभी प्रीवियस स्लाइड में ही हमने पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली नुकसान में चले जाते हैं। तो भाई प्रोड्यूसर और ट्रेडर, क्योंकि इनकी चीज़ों के दाम गिरते हैं, दूसरा इनका आउटपुट भी बनना बंद हो जाता है, वो भी गिर जाता है, तो मतलब ये दोनों जो है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र करते हैं। सेकेंड क्लास इज इन्वेस्टर्स। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए, इन्वेस्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है जिसे कि फिक्स पता है कि फिक्स इतना इतना उसको रिटर्न मिलना ही मिलना है। एक टाइप का इन्वेस्टर होता है जैसे जो कि मतलब उसकी इनकम डिपेंड करती है कि प्रॉफिट के ऊपर, है ना, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो उस इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस है, मे बी मिले या मे बी ना भी मिले। एंड एक होता है जिसको मिलना ही मिलना है, है ना, दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। जो पहले वाले होते हैं जिन्हें फिक्स रेट मिलना है, ये वाले, तो एटलीस्ट इन्हें थोड़ा सा गेन होता है, इन्हें फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इनकी जो इनकम है इनके हाथ में उतनी ही आनी है, इनके हाथ में होती इनकम आनी है जितनी कि ऑलरेडी फिक्स की गई है। ये वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी, वो वाले बेचारे क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, क्योंकि डिफ्लेशन के टाइम पे अगेन कंपनी है, तो अगेन कंपनी भी कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रहा होगा,
उसको नुकसान होगा, तो अल्टीमेटली जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसे भी नुकसान होगा। तो ये वाला इन्वेस्टर जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसका उसकी इनकम कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर कंपनी फायदा करेगी तो हमें मिलेगा, वो सफर कर जाता है। दूसरा वाला जिसे पता होता है कि भाई मेरे को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे मिलेंगे, वो जो है गेन करेगा, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि वो उसे फिक्स है, उसे मिलना ही मिलना है। दूसरा है सैलरीड एंड वेज क्लास, ऐसे बंदे जिनके फिक्स सैलरीज हैं, जिनके फिक्स वेजेस हैं, उन जो सारे बंदों का कोई भी नुकसान ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अपने पैसे हैं, इनके अपने पैसे बंधे हुए हैं, वो उनको मिलने ही मिलने। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मनी की वैल्यू गिर जाती है, 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मतलब चीजें महंगी हो जाती हैं, तो 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 100 रुपए की जगह 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उस केस में सैलरीज को बढ़ाने की जरूरत होती है। बट वेन वी टॉक अबाउट डिफ्लेशन, तो भाई मनी की वैल्यू तो हाई है ना, चीज़ें तो सस्ती हैं, दाम तो कम है चीज़ों का, आप उन्हें खरीद सकते हो। तो पहली इनकम जो आपकी 20,000 थी, अब आपका सिर्फ उसमें से 15,000 रुपये पूरा पूरा बच रहा है, आपकी 5,000 रुपये में ये चीज़ें आ रही हैं, तो मतलब आप गेन पे हो। ठीक है, तो सैलरीज एंड वेज क्लास गेन करते हैं, इनको डिफ्लेशन से कोई भी नुकसान नहीं होता। देन कम्स इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स भी की भी हम अगर बात करें तो देखिए कंज्यूमर्स का भी फिक्स इनकम होता है, तो वो भी गेन करेंगे। ठीक, उन्हें चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, उन्हें और क्या चाहिए। डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जो किसी से उधार लेते हैं। डेटर्स लूज, यहाँ पर क्या है, जो डेटर्स है वो नुकसान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो डेट देना पड़ेगा उसकी वैल्यू अभी क्या हो रही है, बढ़ जाती है डिफ्लेशन के टाइम पे, तो उन्हें बढ़ी हुई वैल्यू पे देना पड़ेगा। ठीक है, डेटर्स ने जब लिया होगा तब डिफ्लेशन नहीं होगा, बट अब जब उन्हें देना है प्रेजेंट टाइम पर, अगर उन्हें देना है तो उनको मनी जो देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है डिफ्लेशन में मनी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें हाई वैल्यू के ऊपर देना पड़ेगा। जब उन्हें लिया होगा तो उन्होंने कम पे लिया होगा, तो जो डेटर्स है वो भी नुकसान में रहते हैं। क्रेडिटर्स के साथ क्या होता है, क्रेडिटर्स के साथ ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा, क्रेडिटर्स जो है वो हमारे फायदे में रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें क्या है, हाई वैल्यू के ऊपर मिलेगा, क्योंकि डेटर्स ही तो क्रेडिटर को उनसे उनका पैसा देंगे। डेटर वो होता है जो पैसे उधार लेता है, क्रेडिटर वो होता है जो पैसे उधार देता है। इसने उधार लिए तो हाई वैल्यू पे चुकाएगा, तो मतलब ये नुकसान में, इसने उधार दिया तो मतलब इसे हाई वैल्यू पे मिलेगा, मतलब ये फायदे में। फार्मर्स, फार्मर्स का तो भाई डबल लॉस, डबल नुकसान होता है, क्योंकि देखिए पहली चीज तो प्रोडक्शन बंद हो गया, ठीक है, उनके क्रॉप्स की वैल्यू गिर गई, कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे गिरते जा रहे, पहला नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान, क्योंकि फार्मर्स हमारे डेटर्स भी होते हैं बेचारे, वो उधार पे भी काम करते हैं, तो डेटर्स को यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है कि उन्हें हाई वैल्यू पे पे ऑफ करना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन फार्मर्स के साथ भी है, क्योंकि फार्मर्स डेटर भी है, तो फार्मर को भी हाई वैल्यू के साथ पे करना पड़ेगा, साथ के साथ उसके क्रॉप्स का दाम भी कम हो रहा है, तो मतलब जो फार्मर है वो डबल तरीके से सफर करते करेगा इन द केस ऑफ डिफ्लेशन। ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड, आई होप आप सबको आज का ये टर्म डिफ्लेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। फेसबुक पेज पर इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, उसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू वंस अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।